तो राजस्थान विधानसभा चुनाव का घमासान अब शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तूफानी चुनाव प्रचार पर डिगाना के बैरुंदा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी विजयपाल मिर्धा के समर्थन में जनसभा रहेगी। इसके बाद जोधपुर पहुंचकर कई कार्यक्रमों में शिरकत भी करेंगे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तूफानी चुनाव प्रचार पर है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रत्याशियों के समर्थन में पहुंच रहे हैं। अब जिगाना के भैरुंदा पहुंचेंगे जहां चुनावी सभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। कांग्रेस प्रत्याशी हैं विजयपाल मिर्धा, यहां पर उनके समर्थन में एक जनसभा होगी। बेहद दिलचस्प होगा इस जनसभा में मुख्यमंत्री को सुनना। फिर जोधपुर पहुंचकर कई कार्यक्रमों में भी शिरकत करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो तूफानी चुनावी प्रचार पर है, लगातार दौरे कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में पहुंच रहे हैं, मंच साझा कर रहे हैं और उनके समर्थन में वोट की अपील अपने तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करते नजर आ रहे हैं। ये चंद तस्वीरें आपको जो दिखा रहे हैं ये वही तस्वीरें हैं जहां कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच रहे हैं और इसी के तहत आज पहुंचेंगे टिकारा के बैरुंदा में जहां चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वो तस्वीरें भी आप तक साझा करेंगे और हर एक अपडेट फर्स्ट डे आप तक पहुंचा रहा है। दरअसल राजस्थानी जो है बेहद उत्साहित क्योंकि अब चुनाव नजदीक है। ऐसे में खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी चुनावी प्रचार पर है, तूफानी दौरे उनके चल रहे हैं, रोजाना किसी ना किसी कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री का मानना है कि एक बार फिर से कांग्रेस रिपीट होगी। यूनुस सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। यूनुस, यहां पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, कांग्रेस प्रत्याशी के लिए बेहद खास पल होता है जब खुद मुखिया पहुंचकर उनके समर्थन में अपने तरीके से वोट की अपील करते नजर आएंगे, जनसभा करेंगे और फिर आगे जोधपुर पहुंचने का भी कार्यक्रम है। पूरी जानकारी जरा दीजिएगा विस्तार से। नागौर जिले के डेगाना विधानसभा क्षेत्र के बेरुंदा गांव के अंदर ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एक बड़ी किसान जनसभा रखी गई है जहां पर डेगाना से जो प्रत्याशी है विजयपाल मिर्धा उनके समर्थन में किसानों को आम जनता को वोट की अपील करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना हो या फिर सरकार के जो चुनावी वादे हैं उनको लेकर वहां के जनता को संबोधित मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ ही देर के अंदर वहाँ बेरुंदा पहुंचेंगे, वहाँ जनसभा को संबोधित करेंगे, उसके बाद उनका जोधपुर जाने का कार्यक्रम है। ठीक है, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे किस तरीके की तैयारी की गई है, कितने बजे यहाँ पर पहुंचेंगे, आपके लिए अपडेट करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी क्या जानकारी है, कितने बजे तक पहुंचेंगे, किस तरीके की तैयारियां यहाँ पर की गई है? देखिए, तैयारियों की बात करें तो खुद विजयपाल मिर्धा, उनके जो पिता हैं पूर्व विधायक रिचपाल मिर्धा, वो पूरी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिए है। कार्यकर्ताओं का बेरुंदा में पहुंचना शुरू हो चुका है, मंच पूरी तरह से तैयार है। अब देखने वाली बात ये होगी कि डेगाना जो विधानसभा क्षेत्र है वो जनता को क्या संदेश देंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, ये आने वाले वक्त थोड़ी देर में पता चलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करीबन 11:30 बजे का टाइमिंग रखा गया है, तब पहुंचेंगे वहां। ठीक है, शुक्रिया यूनुस इस जानकारी के लिए, क्योंकि आगे जोधपुर पहुंचने का भी कार्यक्रम है, वहां पर भी कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। बेहद खास होगा क्योंकि जब भी मुख्यमंत्री अपने गृह नगरी जाते हैं और कोई ना कोई सौगात जरूर देते हैं किसी भी कार्यक्रम में, अगर वो पहुंचते हैं तो जनता से भी सीधा उनका संवाद होता है, ये अपने आप में बेहद खास तस्वीरें निकल कर आती है। फिलहाल आज डिगाना के भैरुंदा पहुंचेंगे, चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, कांग्रेस प्रत्याशी विजयपाल मिर्धा के समर्थन में एक जनसभा की जाएगी, काफी संख्या में भीड़ जुड़ेगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सुनने के लिए। और ये बेहद खास होता है ठीक चुनावों से पहले जनता को संबोधित करना किसी भी मुख्यमंत्री के लिए।